और बाढ़ की वजह से सर्बिया में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर भारी जलजमाव है, भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। देखिए, सर्बिया में नदियां नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। नतीजतन बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा है। लोग घरों के बाहर मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करते नजर आए। सर्बिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। यहां 7 कस्बों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। रिहायशी इलाकों में जहां पानी किसी नदी की तरह बहता दिख रहा है, वहां तूफान से पहले तक सड़कें दिखाई देती थी, लेकिन लगातार बारिश के बाद नदी नहरों में उफान आ गया है। ड्रोन तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी कितना ज्यादा है इसका अंदाजा भी इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मकानों की पहली मंजिल तक पानी बह रहा है, गाड़ियों की सिर्फ छतें दिख रही है और सैलाब उन्हें बहा ले जाने को तैयार है। इन इलाकों में कई परिवारों को घर छोड़ने पड़े हैं, तो वहीं बाढ़ के पानी में बहने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिनमें से 1 का शव बरामद कर लिया गया है। बाढ़ की वजह से यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड के बाद मोंटेनिग्रो तक रेल सेवा बाधित हो गई है। प्रशासन का कहना है कि फंसे हुए लोगों को अब बस के जरिए पहुंचाया जाएगा। सर्बिया में ठंड के मौसम में ऐसी मूसलाधार बारिश सामान्य नहीं है। दुनिया भर में मौसम के ऐसे अजीब मिजाज से विशेषज्ञ भी चिंता में हैं।